हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं खेल के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस हमने बहुत सारे पेपरों से गैदर किए हैं जो कि पूछे जाते हैं रिलेवेंटली, कहीं ना कहीं अल्टरनेट टाइम में पूछे ही जा रहे हैं। तो अगर आप नए हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना एक छोटा सा काम, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर फैमिली, क्योंकि यही बेल आइकन तो आपको याद दिलाएगा आपको कुछ करना है और आगे बढ़ना है। जो ऑलरेडी हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं उनको दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपको करनी है पॉज, फिर क्वेश्चन को मन में देख लेना है, फिर वीडियो को चलाना है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब किया गया? तो भाई ओलंपिक खेलों का जो है प्रारंभ यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट जिसे हम कहते हैं, इसी टाइम पे ये कर दिया गया था। और ये खेल जो है वो ग्रीक के देवता जो ज्यूस हैं, है ना, उनके सम्मान में ही ये खेला जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो वो बी है। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो भाई आधुनिक ओलंपिक का जो आयोजन है वो रोम के राजा थियोडोसिस के आदेश पे आयोजन जो है वो बंद कर दिया गया था। फिर वापस से जब ये स्टार्ट किया गया तो वो 1896 में ये स्टार्ट किया गया, और फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों के आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे जो सी उत्तर है यही आपका एकदम सही है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों की समिति, है ना, IOC के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जर्मनी के थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के जो वो अध्यक्ष है, तो थॉमस बाक ये आपका डी उत्तर जो एकदम यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो है वो 1927 में की गई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो दोराबजी टाटा थे। कौन थे? दोराबजी टाटा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्र होते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का चक्र इसमें से सम्मिलित नहीं है? तो आपको बता दें कि ये जो चक्र है इसमें 5 रंगीन चक्र होते हैं और जो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, और ये जो है वो 5 आइलैंड्स यानी 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें से जो नीला चक्र होता है वो महाद्वीप यूरोप का होता है ना, यूरोप को इंडिकेट करता है। जो नीला है वो यूरोप को इंडिकेट करता है, जो पीला है वो एशिया को इंडिकेट करता है, इसमें से जो काला रंग है वो अफ्रीका को इंडिकेट करता है, और लाल रंग जो होता है वो उत्तरी अमेरिका को इंडिकेट करता है, और जो हरा रंग होता है वो दक्षिणी अमेरिका को इंडिकेट करता है। इसमें वाइट कलर का कोई भी रंग नहीं होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। और यहाँ पे कितने रंग और किस महाद्वीप को इंडिकेट करता है मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। नीला रंग जो है वो यूरोप को इंडिकेट करता है, पीला रंग जो एशिया को इंडिकेट करता है, काला अफ्रीका के लिए है, और लाल उत्तरी अमेरिका के लिए, हरा दक्षिणी अमेरिका के लिए। ठीक है, यहाँ पे सफ़ेद रंग की कोई बात नहीं है, ये किसी को इंडिकेट नहीं करता, तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जो है वो सफ़ेद है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 का शुभंकर क्या था? तो भाई 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में किया गया था। इस प्रतियोगिता का शुभंकर जो था विनीसियस था, ये जो पहला वाला है ना यही आपका एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, 2020 टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का प्रस्तावित शुभंकर क्या है? तो 2020 के टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का प्रस्तावित शुभंकर जो है वो मिराइतोवा है। यहाँ पे मिराइतोवा आपका डी उत्तर जो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत थी वो 1930 में की गई थी, और ये कनाडा में हुई थी, हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन जो प्लेस का नाम है वो कनाडा में है, यहाँ पे ही हुई थी। और इसका जो पुराना नाम था ना, राष्ट्रमंडल खेलों का जो पुराना नाम था ना, ब्रिटिश एम्पायर का खेल था ये। पहले राष्ट्रमंडल इसे नहीं खेलते, पहले इसे ब्रिटिश एम्पायर बोला जाता था। फिर इसकी जो शुरुआत थी वो 1930 में स्टार्ट कर दी गई थी, और ये हैमिल्टन कनाडा में स्टार्ट हुए थे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत किस स्थान पे रहा? तो भाई 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो वो गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था।
क्वींसलैंड में, और ये 4 से 15 अप्रैल तक हुआ था, 2018 के बीच किया गया। और इसी प्रतियोगिता में जो है वो पहले स्थान पे जो था वो ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे स्थान पे इंग्लैंड, और तीसरे स्थान पे था इंडिया, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर पूछा कि इंडिया जो है वो कौन से स्थान पे, तो वही तीसरे स्थान पे था इंडिया। और ये कब हुआ था, तो भाई 2018 में 4 से 15 अप्रैल के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, एशियाई खेलों की शुरुआत जो है वो कब से हुई। तो भाई एशियाई खेल जब शुरू हुए थे तो 1951 में नई दिल्ली में की गई थी, और इसका प्रतीक जो था वो चमकता हुआ सूरज, जो हमारा सनराइज़ होता है रोज़ मॉर्निंग में, वही था। तो 1951 में, यानी कि बी उत्तर आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18वें एशियाई खेलों में भारत किस स्थान पे रहा। तो भाई आपको बहुत ध्यान से देखना है, कभी पूछता है 21वें कभी 18वें, तो फिर थोड़ा सा ध्यान देना है। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में हुआ था, और इसमें पदक तालिका में भारत जो था वो 8वें स्थान पे रहा था। और इसी प्रतियोगिता में पहला स्थान जो वो चीन का था, और दूसरा जो है वो जापान का था, यानी फर्स्ट नंबर पे जो था वो चाइना था, और दूसरे नंबर पे जो था वो जापान था, ठीक है। और हमारा भारत कौन से स्थान पे था, 8वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट के खेल में पिच की लंबाई कितनी होती है। तो भाई पिच की लंबाई इसमें जो होती है वो होती है 22 गज, यानी कि बोल सकते हैं आपकी 20.12 मीटर के आसपास, 20.12 मीटर ही समझ लीजिए, इतनी ही होती है भाई, इससे ज़्यादा कम नहीं होती है। और स्टंप की लंबाई कितनी होती है, जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको पता ही होगा, 72 सेंटीमीटर्स की जो होती है स्टंप होती है क्रिकेट की। और जो बल्ले की लंबाई होती है 38 इंचेस की होती है, और जो बल्ले की चौड़ाई होती है वो 4.25 इंचेस की होती है, है ना। और गेंद का भार जो उससे खेलना चाहिए वो, यानी कि एटलीस्ट आपका 163 ग्राम तक का होना ही चाहिए। तो ये जो थी कुछ इसकी ज़रूरी बातें थी, ये इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, खाली पूछ जाता है खेल के पिच की लंबाई कितनी। तो पिच की लंबाई जो वो गज में पूछा है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गज यानी 20 गज थी, 20 गज नहीं सॉरी 22 गज होती है। अगर हम 20.12 मीटर कहें तो इसका मतलब होता है 22 गज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 22 गज, सी उत्तर आपका सही है, ए नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो भाई हॉकी की लंबाई जो होती है मैदान की वो होती है 91.44 मीटर्स, और इसकी जो चौड़ाई होती है ना वो 50 से लेकर 55 मीटर्स की होती है। ये होगी इसकी ब्रॉड लेंथ, इसकी हो जाती है 91.44 मीटर्स, और गेंद का भार इसमें जो खेलते हैं वो होता है 155 से लेकर 163 ग्राम्स तक का, है ना। तो यानी जो बी उत्तर है आपका यहाँ पे एकदम सही दिया है कि 91 मीटर यहाँ पे जो दिया है, तो 91.44 मीटर का होता है, तो 91 मीटर जो है आपका ये एकदम सही उत्तर है। सिर्फ मैदान की लंबाई पूछा तो आपको लंबाई भी पता होना चाहिए, चौड़ाई भी पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ भी लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली शतरंज से संबंधित है। तो शतरंज से यहाँ पे क्या संबंधित है, तो गैम्बिट शब्द जो है वो शतरंज से संबंधित है। सेंडिंग ऑफ चिप, विंगर व सीजर किक, ये सारे जो भी है फुटबॉल से संबंधित शब्द है, जो फुटबॉल हम लोग खेलते हैं ना, है ना, वो फुटबॉल से संबंधित ये तीनों भी शब्द हैं। बाकी जो गैम्बिट है ये अपने चेस का शब्द है, यानी कि शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। तो भाई मर्डेका कप जो हम सबको पता है कि यहाँ पे देखो, संतोष ट्रॉफी, डोरंड कप, रोवर्स कप व मर्डेका कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो भाई फुटबॉल ही आपका इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से है। तो भाई स्मैश शब्द जो है, स्मैश हो गया, साइड लाइन हो गया, चाप हो गया, किल हो गया, आदि शब्दों का संबंध जो है वो हमारे टेनिस से है। तो ए उत्तर ही आपका एकदम सही है। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।